हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का डिपॉजिट फॉर्म भरना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि डिपॉजिट फॉर्म किस तरीके से हम पोस्ट ऑफिस वाला फॉर्म भर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप डाकघर बचत बैंक में खाता खुलवाया है और उसमें पैसा आप जमा कर रहे हो, उस फार्म को आप किस तरीके से भर सकते हो। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको न्यू प्रोसेस में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है खाता के विवरण। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि टाइप ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स, आपका अकाउंट जिस भी प्रकार का होगा उसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना। जैसा कि मान लीजिए मेरा आरडी है, तो दोस्तों आरडी पर तरीके से मैंने क्लिक कर लिया। इस तरीके से आरडी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है डाकघर, यानी कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है आपका। तो मेरा उरुआ में है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर उरुआ इस तरीके से लिख देता हूँ। तो दोस्तों आपका भी जहाँ पर भी डाकघर होगा उसे आपको यहाँ पर लिख लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है खाता संख्या, यानी कि अकाउंट नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी डाल दीजिएगा अपने अकाउंट नंबर को। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है दिनांक। दिनांक यानी कि आप किस डेट को अपना पैसा जमा कर रहे हो, उस डेट को आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि मान लीजिए मैं 12 तारीख को यहाँ पर जमा कर रहा हूँ, तो दोस्तों इस तरीके से आपको 12 तारीख और 9 महीना 2023 इस तरीके से पूरा एकदम डेट लिख देना है इस तरीके से। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आप किसी के खाते में पैसा जमा कर रहे हो कि आप अपने खाता में जमा कर रहे हो। अगर दूसरे के खाता में जमा कर रहे होंगे तो के नाम प्रदत्त वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर उनका नाम लिख देना है, यानी कि उनके नाम पर लिख देना है। अगर आप अपने खाता में जमा कर रहे हैं तो नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना नाम, जैसा कि मान लीजिए मेरा नाम विकास है, तो दोस्तों इस तरीके से मैं भर लूंगा। इस तरीके से मैं अपने खाते में ही पैसा जमा कर रहा हूं, तो इस तरीके से विकास लिख लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको रुपए लिख लेना है कि आप कितना रुपए जमा कर रहे हो अपने अकाउंट में। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको रुपए शब्दों में लिख लेना है। जैसा कि मान लीजिए मैं 1000 रुपए यहां पर जमा कर रहा हूं, तरीके से मैं 1000 यहां पर लिख देता हूं, तो आप भी लिख दीजिएगा 1000 रुपए मात्र। इस तरीके से रुपए यहाँ पर लिख लेना है और मात्र इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से डैश दे देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आरएस लिखा हुआ है, तो इसे शब्दों में आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए 1000 है, तो दोस्तों इस तरीके से मैं 1000 यहाँ पर लिख लिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर अंकों में लिख लीजिएगा और यहाँ पर आपको शब्दों में इस तरीके से लिख लेना है 1000 रुपए मात्र। उसके बाद इस तरीके से कर देना है और यहाँ पर भी इस तरीके से करके यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। देन उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर डेट लिख देना है किस डेट को आप जमा कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से आपने डेट को यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फिर से अपने डेट को लिख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बचत बैंक सहायक का हस्ताक्षर। तो दोस्तों आपके जो सहायक है उनको उनका हस्ताक्षर यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। देन उसके बाद आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि पैसा जमा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिपॉजिट फॉर्म को अपने पोस्ट ऑफिस का भर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।